हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। में आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। आपके पर्सन करंटली आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, इस वक्त वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, रीडिंग क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडियक साइंस के लिए है, टाइमलेस भी है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। हम ऐसे ही यूजुअली हम एक दो दिन छोड़कर या फिर कभी कभी रेगुलरली भी या डेली भी हम ऐसा करते हैं कि करंट एनर्जी चेक करते हैं, करंट फीलिंग्स चेक करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। ओके, तो इंसान की फीलिंग बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होती है एज कम्पेयर टू हिज और हर थिंकिंग से पहले। ओके, तो जब भी लोग मुझे ज्यादा सब कमेंट्स भी करते हैं करंट फीलिंग्स पर, वीडियो डेली लेकर आओ, फिर भी कभी कभी एक दो दिन स्किप होता है क्योंकि दूसरे टॉपिक भी कवर करने होते हैं जो आप लोग कमेंट्स में बताते हैं। तो चलिए, आज टाइम आ ही गया है करंट फीलिंग्स की रीडिंग चेक करने का। देखते हैं करंटली आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। वेल, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं उस पर्सन के बारे में सोचिए, हूएवर ही और शी इज, उनका नाम सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए। ओके, तो देखते हैं कि वो करंटली आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। दोज हु नो मी, दे नो दैट आई लाइक दिस टेक। ओके, सो लव हु यू आर, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आगे। जब से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, कहीं ना कहीं बोलना तो जैसे मेरा यू नो फेवरेट हो गया है बस। ओके, वेल आई नीड मोर, देखते हैं और क्या है। वेल, वी हैव दिस कार्ड, वी कैन टेक वन मोर। ओके, बिकॉज आई फील लाइक, एंड हियर वी हैव, आई डोंट नो, आज कार्ड इतने स्लिप क्यों हो रहे हैं हाथ से। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये कार्ड्स देखकर सबसे पहली चीज ये That आप दोनों में से कोई ऐसा हो सकता है जो भगवान कृष्ण के साथ काफी ज्यादा अटैच है। अच्छी बात है, अटैच नहीं भी है तो मुझे लगता है एक आकर्षण है आपका भगवान कृष्ण की तरफ, एक झुकाव है। और नहीं है तो व्यूअर्स, वो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। यस, ओके, तो ऑफकोर्स जिनका फेथ नहीं है उनके लिए नहीं है ये बात, बट जिनका फेथ है उनके लिए ये बात है कि आपका या तो अटैचमेंट बहुत है या फिर एक लाइट अट्रैक्शन है उस तरफ, यानी कि जैसे किसी फॉर्म ऑफ गॉड की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, तो आपका उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव है। और अभी तक नहीं है तो होने वाला है क्योंकि वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे चैनल हुई है पहले, तो मैंने इसलिए सबसे पहले आपको बता दी। आइए देखते हैं कि करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। व्यूअर्स देखिए, आपके पर्सन करंटली आपके बारे में ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत रियल हो। ओके, तो उनको ये चीज इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि आप में अगर बहुत सारी बुराइयां हैं, कुछ गलतियां हैं, या आपके पर्सन के मन में कुछ शिकायतें हैं आपको लेकर, तो वो उसको आसानी से लेट गो कर देते हैं या उन गलतियों पर, कमियों पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बहुत खुशी होती है। दे फील वेरी हैप्पी टू नो कि आप रियल हो एटलीस्ट, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप चाहे कड़वे रहो या रूखे रहो उनके साथ, लेकिन कम से कम आप जेन्युइन रहो। तो व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इस बात से बहुत खुश हैं करेंटली कि आप एक जेन्युइन इंसान हो और आप जो बोलते हो जेन्युइन बोलते हो, सच बोलते हो, सच्चाई आपके अंदर और बाहर दोनों जगह है। ऐसा होता है ज़्यादातर कि लोगों के अंदर कुछ और होता है, वो सच्चाई होती है लेकिन वो दिखाते कुछ और है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी इस टाइप की पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस भी हैं, खुश भी हैं, और इसी बात पर आपकी बहुत फिदा भी है कि आपकी जो रियल सेल्फ है वो उनको बहुत अच्छी भी लगती है। आपका रियलिस्टिक रहना, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, ऑनेस्ट रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। करंटली वो ऐसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स कि आप इतने अच्छे इंसान हो कि वो आपकी कुछ बुराइयां, कुछ शिकायतें तो ऐसे ही सह लेंगे। लाइक वो दे आर रेडी, दे आर प्रिपेयर्ड। वो मेल है, फीमेल है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो व्यूअर्स, वो इंसान मेंटली प्रिपेयर है इस समय कि आपके अंदर अगर कुछ बुराई है या कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लगती, जरूरी नहीं है कि वो बुराइयां हों आपकी, पर उन्हें पसंद नहीं है, फिर भी वो उन बातों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि आप जेन्युइन हो, रियल हो।
तो उनको दिखावा करने वाले लोग, फेक करने वाले लोग बहुत मिले होंगे, पर आप जेन्युइन मिले हो तो इसीलिए उनको आपका सब स्वीकार है। दूसरी चीज व्यूवर्स, उन्हें बहुत अच्छे लगते हो आप जैसे भी हो। जब भी आप कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो अपने बारे में कि ड्रेसिंग सेंस चेंज करूं, हेयर स्टाइल चेंज करूं, यू नो कुछ और चेंज करूं अपने बारे में, तो उनको अच्छा नहीं लगता। अगर आप किसी की तरह बनना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूवर्स के आप कहीं ना कहीं कंप्लीटली उन्हें आप ही पसंद हो और उन्हें आप में कोई चेंज पसंद नहीं है। या तो फील वो यही कर रहे हैं व्यूअर्स कि आप एक जेन्युइन इंसान हो और वो सब कुछ सहने को तैयार है, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप किसी भी कीमत पर चेंज हो जाओ। हो सकता है आप चेंज हो रहे हैं, हो सकता है आप चेंज हो रहे हैं और वो उन चेंजेस को नोटिस कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि आप चेंज हो। उन्हें तो आप वैसे ही पसंद हैं जैसे आप हो। ओके, आपकी रियल सेल्फ उनको बहुत अच्छी लगती है। ओके, द वे यू आर। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसा भी फील कर रहे हैं कि आप कन्फेशन क्यों चाहते हो, आप खुद पहचानो प्यार है कि नहीं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो ऐसा सोचते हैं कि मैं बोल के बताऊं कि मुझे प्यार है, मैं प्रपोज करके या कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करके बताऊं मुझे प्यार है, आप सच को खुद क्यों नहीं देख सकते मेरी आंखों में, मेरे बिहेवियर में, मेरे जेस्चर में। तो कहीं ना कहीं जैसे वो ऐसा फील करते हैं कि मैं बोल के क्यों बताऊं, तुम देख के समझ जाओ, ऐसा कुछ। रीड माई आईज, रीड माई फेस, रीड माई माइंड, ओके, रीड माई बॉडी लैंग्वेज, ये सब देखकर आप अपने आप समझ जाओ और खुद फैसला करो कि प्यार ये है या नहीं। मुझसे पूछो मत या मुझसे बुलवाने की कोशिश मत करो। ये उनकी फीलिंग्स है। आप व्यूअर्स जब भी उनसे उगलवाना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं, कन्फेशन चाहते हैं, तो उनको लगता है कि प्यार है या नहीं उनकी तरफ से, ये आप फैसला करो, ये कहने की बात नहीं है। तो ये वो फील करते हैं अगर आप सोचते हैं कि ये प्रपोज क्यों नहीं करते। और व्यूअर्स, इनके दिल में ऑलरेडी आप एक कपल हो, आप दोनों। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं भी होंगे और आप किसी और की बात ज़्यादा करोगे, किसी और के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे या किसी और को ज़्यादा प्रेज करोगे, तो इनको ऐसी ही जेलेसी होगी जैसे ये आपके पार्टनर हैं। चाहे करेंटली ये आपके पार्टनर हो या ना हो, कॉन्टैक्ट में हो या ना हो, सेपरेशन में हो या ना हो, तो इनको, और अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं भी हैं तो भी इनको आपका दूसरों के बारे में ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा दूसरों के साथ क्लोज होना या कहीं ना कहीं दूसरों के साथ ज़्यादा ओपन, ज़्यादा फ्रैंक होना अच्छा नहीं लगता। स्पेशली अपोजिट जेंडर के लोगों के साथ उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि वो चाहते हैं कि वो आपको अपने पास छुपा के रख लें। ये थॉट थोड़ा सा डेंजरस साउंड करता है, लेकिन ये यहाँ पर क्यूट है क्योंकि ये उनका लिटरली ये थॉट नहीं है कि सच में छुपा के रख लें, ये उनका एक क्यूट थॉट है। उनका मन कर रहा है जैसे व्यूअर्स अगर वो आपको अपने पास छुपा के रख पाते, जैसे हम लोगों को ऐसा बोलते हैं प्यार में, मेरा मन करता है आपको अपनी पॉकेट में रख लूँ, मेरा मन करता है कि आपको अपने पास छुपा के रख लूँ, तो उस वे में वो आपसे कहना चाहते हैं या उस वे में ही वो ये बात फील कर रहे हैं कि व्यूअर्स आप उन्हें इतने प्यारे लगते हो, इतने क्यूट लगते हो या इतने स्पेशल और प्रीशियस हो उनके लिए कि वो आपको छुपा के अपने पास रखना चाहते हैं। यस, वो नहीं चाहते किसी और की नज़र पड़े। तो एक तरह से पजेसिवनेस है, प्रोटेक्टिवनेस भी है और पजेसिवनेस भी है। ये इंसान ऐसा भी फील करते हैं कि कोई और आपको उस नज़र से ना देखे, कोई और आपको उस इंटेंशन से अप्रोच ना करे, कोई और आपको गलत इंटेंशन से ना देखे, कुछ उनकी नज़र ऐसी है। वो पजेसिव हैं आपके लिए, वो आपको खोना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते इसीलिए, और उनको ऐसा भी लगता है कि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। तो प्रोटेक्टिव भी बहुत होते हैं या होती हैं और पजेसिव भी बहुत होते हैं या होती हैं। तो व्यूअर्स, इतने ज़्यादा पजेसिव हैं वो आपको लेकर और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर। अगर आप चेंज हो रहे हैं तो उनको ये चेंज अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें तो आप वैसे ही अच्छे लगते हैं जैसे आप हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये इंसान विश मांग रहे हैं, दे आर प्रेइंग और दे आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। ये कुछ दुआ मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे व्यूअर्स वो आपको ही मांग रहे हैं या फिर आपको पाने का मौका मांग रहे हैं या फिर आपके साथ एक ग्रोथ चाहते हैं। आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, आप दोनों का जो कनेक्शन है,
उसमें वो एक ग्रोथ चाहते हैं। वो चाहते हैं अगर रिश्ता लेवल 1 पे है तो लेवल 10 तक जाए। वो चाहते हैं कि अगर आप पूरी तरह से अभी उनके नहीं हुए हो, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप लोग पूरी तरह से एक दूसरे के नहीं हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि पूरी तरह से आप उनके हो जाएं। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है लेकिन अब आप अलग अलग हो गए हैं, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, या कुछ भी हो गया है ब्रेकअप जैसा, तो व्यूअर्स तो वो ये प्रे कर रहे हैं कि उनको एक और मौका चाहिए आपका दिल जीतने का, या उन्हें एक और चांस चाहिए आपके साथ प्यार करने का, उन्हें एक नया मौका चाहिए। तो ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है व्यूअर्स के जैसे ये इंसान जो हैं बहुत ही ड्रीमी हो जाते हैं आपके बारे में, यानी कि जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं ना, वो ड्रीमी हो रहे हैं, सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, ख्वाबों में खो जाते हैं, इमेजिनेशंस में चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक ड्रीमी वर्ल्ड है इनका अलग आपके साथ। या ब्यूटिफुल, तो बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं ऐसा लगता है आपके लिए। यस, काफी रोमांटिक। आइए आगे और देखते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, ये इंसान गले में कोई लॉकेट पहनते हैं, कुछ हो सकता है भगवान का, हो सकता है ऐसे ही कुछ स्टाइलिंग के लिए है, हो सकता है ये कोई साइन सिंबल कुछ ऐसा हो सकता है, या सिर्फ कोई धागा हो सकता है, कुछ लोगों के तुलसी माला भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए किसी देवी देवता का लॉकेट हो सकता है किसी के लिए कुछ, बट मुझे लगता है या तो गले में कुछ पहनते हैं या पहले समय तक पहनते थे, या तो आप पहनते हो या आप पहले समय तक पहनते थे। सबके लिए नहीं होगा शायद ये, पर हाँ जिसके लिए है वो समझ जाए। या और मैंने जो कृष्ण भक्ति वाला कहा था, कोई भगवान श्री कृष्ण के प्रति किसी का रुझाव आप दोनों में से ज्यादा है, अभी नहीं है तो आगे होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे। इंटरेस्टिंग, यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी लगता है कि करेंटली आपके जो पर्सन है आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, सिर्फ रोमांटिक नहीं, बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। इवन ऐसा लगता है कि जैसे एक जिद पर हैं, जैसे वो एक जिद पर है वो कि उन्हें चाहिए तो आप ही चाहिए। दे डू नॉट वॉन्ट एनी वन एल्स, कोई और अगर उनको मिल भी रहा होगा तो उन्हें नहीं चाहिए, उनकी जिद है कि उन्हें आप ही चाहिए। आप उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत कूल लगते हो, बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो, बहुत पावरफुल लगते हो, कुछ तो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा है जो बहुत करिज्मेटिक है, कुछ ऐसा जो लीडरशिप जिसके अंदर होती है वो इंसान होता है, जिस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, या जो इंसान लीडर है या एक इन्फ्लुएंसर है, यानी कि इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसकी एक पोजीशन है, एक रेपुटेशन है, एक वैसी वाइब उन्हें आपसे आती है, एक इस तरह के पावरफुल इंसान आप उन्हें लगते हो, तो आपकी पर्सनालिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनको लगता नहीं है कि आपको कुछ चेंज करना चाहिए अपने अंदर, फिर भी आप अगर कुछ चेंज कर रहे हो तो वो उस बात से चिड़े हुए हैं। दे डोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक व्हेन यू चेंज। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है व्यूअर्स के जैसे ये इंसान आपके साथ बिताए हुए बहुत सारे पलों को याद कर रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे लगता है लोग इनसे ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं सपने में, या रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें सुनाई या दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से उनको आपकी याद आ जाती है। ओके, तो कुछ ऐसा जो आपसे रिलेटेड होता है वो उनके सामने आ जाता है, कुछ ऐसा जो आपसे रिलेटेड होता है उनसे कोई पूछ लेता है, कुछ ऐसा जो आपसे रिलेटेड होता है वो देख या सुन लेते हैं कहीं, तो उनको वापस आपकी याद आती है, वो मेमोरी जो कहीं ना कहीं उनके दिल में है, मन में है, वो ट्रिगर हो जाती है और वो आपको याद करते हैं। करेंटली लगता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, कुछ पास्ट में आपके साथ बिताया हुआ समय है, चाहे वो 2 दिन है, 2 महीना है, या सिर्फ कॉन्वर्जेशन है या चैटिंग है, वॉट एवर द टाइम इट वॉज, जैसा भी समय था वो, लेकिन वो उसको याद कर रहे हैं। दे आर रिकॉलिंग इट इन देयर माइंड, उसको अपने दिमाग में रिकॉल कर रहे हैं। दे आर रिक्रिएटिंग इट इन देयर माइंड, दे आर जस्ट यू नो दे जस्ट इन द पास्ट, दे आर डिगिंग द पास्ट, ऐसा लगता है पास्ट में ही खोए हुए हैं बहुत ज़्यादा, और आपके साथ वो सारे पलों को अपने दिमाग में दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर मिसिंग यू, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको वापस पाना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं।
Yes, viewers. Well, this card is popping out. They will approach you. हो सकता है आज इस इंसान ने, हो सकता है आज इस इंसान ने कोई मैसेज किया हो आपको, कोई कॉल किया हो, या कुछ तो इस इंसान ने आज किया हो सकता है. अगर आज नहीं किया तो इनकी करंट एनर्जी तो यही है कि ये कुछ करने वाले हैं जो कि बहुत लाइट होगा. इनकी तरफ से कोई लाइट कम्युनिकेशन, कोई लाइट मैसेज, कोई लाइट कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मैंने लाइट क्यों बोला, क्योंकि कोई सीरियस बात नहीं करेंगे. कोई मैसेज करेंगे तो बोलेंगे हाय हेलो, कैसे हो, क्या कर रहे हो. अगर कॉल करेंगे तो बोलेंगे हाय हेलो, बस यूं ही कॉल किया. कुछ एक्चुअल सीरियस बात नहीं करेंगे, या कुछ यू नो कॉल मैसेज भी नहीं करेंगे. कुछ और अगर एक्टिविटी की तो वो भी बहुत बेसिक, बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल टाइप की होगी. तो कुछ करने की सोच तो रहे हैं लेकिन बहुत सीरियस कुछ नहीं. ओके, इनकी तरफ से आप छोटा मोटा कुछ अभी जेस्चर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नथिंग सीरियस. क्योंकि जो भी वो कर फील हो रहा है उसके लिए कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेने वाले, ऐसा लग तो नहीं रहा है. कुछ ले सकते हैं एक्शन, लेकिन वो बहुत ही टेम्परेरी एक्शन होगा. टेम्परेरी से मतलब है कि जैसे बात की और फिर 5 मिनट बाद फोन काट दिया, या फिर मैसेज किया, फिर 2-4 मैसेज के बाद मैसेजेस नहीं किए. तो ऐसा लगता है शायद इनको नहीं, ये अपना प्यार जताना तो नहीं चाहते हैं लेकिन आपको पाना चाहते हैं. और अगर आप जानना चाहते हो कि आप कि ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, तो व्यूअर्स ये सोचते हैं कि मैं बोल के नहीं बताऊंगा, मैं बोल के नहीं बताऊंगी, आप खुद समझ जाओ. तो इनका अलग ही गेम चल रहा है. इफ इट इज द गेम राइट देयर, ओके, अगर ऐसा ही है तो इनका अलग ही गेम चल रहा. ओ माय गॉड व्यूअर्स, ये ऐसा भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी प्रे कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ फैमिली चाहिए. या दे वॉन्ट टू मैरी यू, और दे वॉन्ट टू यू नो दे वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद यू. आपके साथ एक परिवार शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें बच्चे हैं, अगर है तो एक्सटेंडेड फैमिली भी है, किड्स हैं, पेट्स भी हैं, आई डोंट नो. ये पूरी एक कंप्लीट फैमिली आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं, एक नया परिवार जैसे आपके साथ बनाना चाहते हैं, या फिर ये इंसान आपको अपनी फैमिली का मेम्बर बनाना चाहते हैं. और मे बी दे थिंक यू एज देयर फैमिली मेम्बर, मे बी ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे आप उनके परिवार का हिस्सा हो. शायद आपसे उन्हें ऐसी ही वाइब आती है कि जैसे आप उनके फैमिली मेम्बर हो, उनके अपने हो. बहुत होमली वाइब आती है उन्हें आपसे, और इसीलिए शायद वो आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाना भी चाहते हैं, या आपके साथ एक नया परिवार शुरू करना चाहते हैं. इन शॉर्ट वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं. इन शॉर्ट ये आपके साथ अपना फ्यूचर स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं. करंटली इनकी ये फीलिंग है. कोई एक्शन तो ले सकते हैं लेकिन कुछ कन्फेस नहीं करेंगे, प्रपोज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वो तो वो बोल के बताएंगे नहीं. दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट, दे विल ट्राई टू टॉक टू यू, बट दे विल नॉट कन्फेस देयर फीलिंग्स. बात करने का प्रयास करेंगे लेकिन जनरल बेसिक बातें करेंगे, फीलिंग्स कन्फेस नहीं करेंगे. यस. अगर हम जोडियक साइंस की बात करें तो ये पर्सन और आप दोनों के लिए बोलती हूँ, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं. एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ये कुछ जोडियक साइंस हैं जो आपके या उनके हो सकते हैं. अगर मैंने कोई जोडियक साइन नहीं भी बताया है तो भी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है आप लोगों के साथ. या मुझे ऐसा लगता है कि आप रेड कलर में बहुत अट्रैक्टिव लगते हो उनको, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल लगते हो. शायद उन्होंने रेड में आपको देखा है पहले, या उन्होंने रेड में आपको इमेजिन किया है. यहाँ पर एज गैप हो सकता है. ओके, आई कैन सेंस द एज गैप. सबके लिए नहीं है लेकिन जिनके लिए है वो समझ जाएं. एज गैप यहाँ पर आप लोगों के बीच हो सकता है. एंड आई थिंक दे वॉन्ट टू हैव 2 kids विद यू. ओके, वो फ्यूचर में शायद आपके साथ 2 बच्चे चाहते हैं. या तो दे, मैंने पहले ही कहा था इनका एक ड्रीमी लैंड अलग से है आपके साथ. या चलिए अब हम कुछ चार्म्स देखते हैं. ओके, काफी सारे चार्म्स हैं हमारे पास. ओके, वी कैन यूज दिस पेंसिल. ओके,
सबसे पहली चीज व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन फील करते हैं कि आप बहुत गुस्से वाले हो. आर यू? क्या आप सच में बहुत गुस्से वाले हैं? उनको तो ऐसा लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं. और ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि उनके पास दूसरी तरफ जाने का भी ऑप्शन है, फिर भी वो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं या करना चाहते हैं. मे बी दे हैव अदर ऑप्शंस, और मे बी दे हैव अदर वेज टू गो. उनके पास दूसरे रास्ते भी हैं जाने के लिए, दूसरी दिशाएं भी हैं जाने के लिए, पर फिर भी उनके दिल ने आपकी दिशा चुनी है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन जो है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा है, या ज़्यादा लीड करना, या अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना, या कंट्रोल करना, या कहीं ना कहीं एक ज़िद पर अड़ जाना तो उसे करना, एक इस टाइप की पर्सनालिटी उनकी मुझे लग रही है. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस समय भी वो सिचुएशन को लीड करना चाहते हैं और अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करना चाहते हैं. व्यूअर्स, आप उनके दिल के राजा हो, उनके दिल की रानी हो, यहाँ पर साफ दिख रहा है क्योंकि मुझे क्राउन नज़र आया है. शायद वो आपको अपने दिल का राजा या रानी मानते भी हैं. यहाँ पर म्यूजिक की बात भी है क्योंकि दो गिटार है यहाँ पे. ओके, आई लीव दैट, आई मेस्ड अप, मैंने इसे ख़राब कर दिया इसके साथ, इस पेंसिल के साथ. आई एम वेरी बैड इन मैनेजिंग थिंग्स. ओके, लीव इट. तो यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी लगता है कि जैसे ये आपको जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में आप इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो. ओके, सो दे वॉन्ट टू विन योर हार्ट. म्यूजिक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये आपके बारे में याद करके गाने सुन रहे हैं, आपको याद कर करके ये इंसान गाने सुन रहे हैं, कुछ ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स सुन रहे हैं जो ज़्यादा रिलेटेबल हैं. यस, सुनो ना सुन लो ना, ये चलते चलते मूवी का सॉन्ग है, ये चैनल हो रहा है. तुमने ना जाना कि मैं दीवाना, लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां, सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना. तो ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है यहाँ पे. तो यहाँ सन भी नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक अ सन. ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं भविष्य में. तो व्यूअर्स ये कुछ चार्म्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे. सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूअर्स, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है. अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें. चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर.